माई छोटा स्कूल के ऑल माई डियर एंड रिस्पेक्टेबल पेरेंट्स एंड माई डियर ऑल माई स्वीटी पाइज, सो हियर वी आर डूइंग एन एक्टिविटी प्लस एन कॉन्वर्सेशन अबाउट स्मॉल एंड कंपेयरिंग साइज, आई मीन स्मॉल एंड बिग साइजेज एंड कंपेयरिंग साइजेज. मतलब आप ये देखिए कि मैं अपने बेबीज से बात कर रही हूँ कि दिस यू कैन टेल मी कि दिस बॉल इज बिग. ये बॉल कैसी है? ये बिग वाली बॉल है. यस एंड दिस इज स्मॉल, दिस इज स्मॉल. अच्छा बताओ मैम के हाथ में जो ये वाली जो पिंक वाली बॉल है, ये स्मॉल है या बिग है? यस आई कैन हियर यू, दिस इज स्मॉल एंड दिस इज बिग. यस ये बड़ी बॉल है और ये छोटी बॉल है. सो दिस इज़ अ कंपेरिजन. मतलब कौन सी चीज़ आपको बड़ी लग रही है, बिग लग रही है, और कौन सी चीज़ आपको छोटी लग रही है, स्मॉल लग रही है. This way, like I have two boxes, this small box and this big box. So which box is bigger one? Yes, ye, this one? No, this one is big and this one is small. In the same way, here are two glasses. So yes, 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 I can hear you. This is big glass and this is small glass. Like this elephant is big, ant is वेरी 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 टाइनी, मतलब बहुत छोटी सी होती है. एंड इन द सेम वे आपका जो हैंड है, जो छोटे बेबीज़ का जो हैंड है, वो आपके पापा या मॉम से छोटा है, उनके हैंड से छोटा हैंड होगा ना, और आपके पापा या मम्मा का हैंड आपसे बड़ा होगा. तो हियर इज़ एन कॉन्सेप्ट कि आपको ये समझना होगा कि कौन सी चीज़ बड़ी है और कौन सी चीज़ छोटी है. सो दिस इज़ अ कंपेरिजन. ओके लाइक वाटरमेलन बहुत बड़ा होता है और वाटरमेलन के सामने जो पेयर होगी, फ्रूट की बात मैं कर रही हूँ, वो बहुत छोटी होगी इस तरीके से. सो आपको ये आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो अबाउट कि क्या चीज़ बड़ी है और क्या चीज़ छोटी है. जस्ट लाइक दिस कि दिस बॉक्स इज़ बिग एंड दिस बॉक्स इज स्मॉल. सो ये कंपेरिजन है, आप इस दोनों में कंपेरिजन कर रहे हो. कंपेरिजन करने का मतलब आपको ये पता होगा, आप कंपेयर कर रहे हो दोनों को कि कौन सा क्या है, कौन सी चीज़ क्या है. अगेन दिस बॉल इज़ बिग एंड दिस बॉल इज स्मॉल, तो कंपेयर कर रहे हो ना आप इन दोनों में, आपस में ये देख रहे हो कि कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है. तो दैट इज़ कॉल्ड कंपेरिजन. ओके सो दिस इज़ एक्टिविटी फॉर पेरेंट एंड फॉर यू, मतलब दोनों के लिए मैं बता रही हूँ. सो माई डियर पेरेंट्स एंड माई डियर चिल्ड्रेन, आप लोगों को, आप दोनों को, मम्मा या पापा कोई भी आप कर सकते हैं, अपना जो हैंड इम्प्रेशन है उसमें पेंट आप करके अपना हैंड इम्प्रेशन इस A4 साइज शीट पर आप लगाएंगे एंड एक हैंड इम्प्रेशन लगवाएंगे अपने बेबी का. सो आप उन और फिर आप अपने बेबी को बताएंगे कि विच हैंड इज़ बिग एंड विच हैंड इज़ स्मॉल, हैंड इम्प्रेशन विद पेंट. मतलब ब्रश से आप उसको हैंड को पूरा ब्रश से पेंट करके उसको A4 साइज शीट पर लगाएंगे और अपने बेबी का भी लगवाएंगे. सो देयर विल बी एन कंपेरिजन, ये कंपेरिजन हो जाएगा और योर चाइल्ड कैन टेल यू कि मेरा हाथ, मेरा हैंड जो है, मेरा हैंड इम्प्रेशन आपसे छोटा है और आपका हैंड इम्प्रेशन मेरे हैंड इम्प्रेशन से बड़ा है. सो दिस इज़ अ कंपैरिजन.